वाटरफॉल। हाँ तो यहाँ हम यहाँ करेंगे फोटोग्राफी हम। हे बच फैमिली प्योर से गुड मॉर्निंग सबको, कैसे सभी, उम्मीद को सभी ठीक है, हम भी बढ़िया हैं। कैंडी रिपोर्ट जगह से। तो गाइज वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। फिलहाल जहाँ पे कल का एपिसोड ख़त्म किया था वहीं शुरू कर रहे हैं, गार्डन से बाहर निकलते हुए। तो यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, तो बस चलते हैं, फिलहाल निकलते हैं बाहर और चलते हैं। बाय बाय गए, हम जा रहे हैं। ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, जाएं नहीं, चलो ठीक है, बाय बाय। वाइन गाइज निकल वापसी के लिए। हाँ जी अस्ता जी, पीछे हटो हूँ, गड्डी में उड़नी है ना, क्या चक्कर है। तो फाइनली पहुँच गए शोपियान, शोपियान मार्केट में। तो यहाँ से निकलते हैं भाया मोगो रोड से दागर आके। बैक टू होम। अभी ये कौन सा दुबजन। सो गाइस फाइनली पहुंचे हैं हम रास्ते में वाया मोगो रोड। तो यहाँ भी देखा मैं व्यू, वाटरफॉल। हाँ तो यहाँ करेंगे फोटोग्राफी हम, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं, सिर्फ फोटोग्राफी रुके हैं यहाँ पे हम। तो फाइनली गाइस पहुंचे एक मस्त सी लोकेशन पे फोटोग्राफी के लिए, मस्त लोकेशन है। एक बार हमको चली हुई, तो फिर चेक आउट दिस गाइस, कितना प्यारा व्यू है। फोटोग्राफी के लिए नेक्स्ट लेवल है। तो गाड़ी हमारी वहाँ लगा दी हमने, तो वहाँ से हम आगे आए हैं सिर्फ फोटोग्राफी के लिए। तो साहिल तो काफ़ी खुश है फोटोग्राफी के लिए, तो लेते मस्त यहाँ से फोटो को लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से पेड़ गली और वहाँ भी फोटोग्राफी करेंगे, फिर निकलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए। चेक आउट दिस गाइस, कितनी प्यारी जगह यार, ये मस्त लोकेशन है। अब ये तो साहिल चला गया फोटोग्राफी के लिए, कम करते हैं फोटोग्राफी, उसको मिलते हैं आपसे। सो फाइनली गाइस फोटोग्राफी हो चुकी हमारी ख़त्म और निकल रहे हैं वापसी के लिए। अभी पहले जगह थी फोटोग्राफी, मस्त फोटोग्राफी है। तो अगर फोटोग्राफी चेक करना है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर दें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यूज़र नेम आगे दिया हुआ है। तो चलते हैं, फिलहाल हवा चल रही है भयंकर। वाइनी पहुंचे लाल किला ब्रिज है वहाँ पे, तो बाकी चले गए बाहर। तो हमारे हसीन भाई इधर बैठे हुए हैं, बाकी फोटोग्राफर चले गए, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है अभी। चलो फाइनली कैसे पहुंच चुके हैं पीर की गली, तो यहाँ करते हैं थोड़ा सा दुआ वगैरह, फिर चेक पीते हैं चाय और निकलेंगे यहाँ से। तो फाइनली पहुँच चुके अपनी फेवरेट चाय की तरफ, तुम्हारी मर्जी यहाँ पे आए, लेकिन ये मैं कभी छोड़ूंगा, ये एक होटल दस पर आऊँ और देखें ये चाय में पीऊंगा यहाँ पे। रोटी तो आपको पता ही है पहले से, तू चाय सत्तू डाल दिए, तलवाते हैं चाय, बस ही। सो फाइनली गाइस ये है दरगाह के पीछे का व्यू, ये है दरगाह, तो इसके पीछे वाला पूरा व्यू। हम टॉप पे गए थे एक बार पैदल, तो कुछ गाड़ी नहीं लेकर बाइक ट्राई करते हैं, बट अभी ना बारिश हो रही है तो स्लिपरी वगैरह भी हो सकता है, तो हम वही रिस्क तो नहीं लेंगे, ना ही ऐसा कुछ करने वाले एडवेंचर वगैरह, थार हो या फोर बाई फोर गाड़ी तो एडवेंचर करेंगे, लेकिन इससे क्या करेंगे एडवेंचर करेंगे। ये ना मेरी फेवरेट जगह रहने वाली है दरगाह के से पीछे, यहाँ पे बैठने के लिए मस्त जगह है और मस्त लोकेशन है, यहाँ पे अच्छा टाइम गुजार सकते हो। यहाँ पे आप नेटवर्क यहाँ पे आएगा, एक जगह वहाँ पे ना होगा ना, यहाँ पे आने वाला है। तो अभी फिर हम जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से आए वहाँ को जा रहे हैं। फाइनली गाइस हम जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर हाइट पे, थोड़ा सा व्यू को इन्जॉय करने के लिए। मेरा मस्त हवा चल रही है हल्की हल्की, शुक्र ये है कि आज बारिश भी नहीं है और फॉग भी नहीं, फॉग आती है जाती रहती है, लेकिन बाकी जो ऑलमोस्ट क्लियर ही है। और चेक आउट दिस गाइस, कितना प्यारा व्यू है,
काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद निकलते हैं वापसी के लिए अब, क्योंकि आगे निकलना भी हमने नूरी छम की तरफ, तो चलते हैं वापस हम। सीख आ गई है तो हम सीख ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो फाइनली पहुँचे मानसून मोड़ में, तो यहाँ चल रहा थोड़ा सा काम रोड का, रोड बन रही है कंक्रीट रोड, तो थोड़ा टाइम लगे यहाँ पे, निकलते हैं यहाँ से हम फटाफट आगे। फाइनली अब पहुँचे चंडीगढ़, यहाँ कुछ टाइम पियेंगे नॉर्मल सा, फिर निकलेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। और इसका इस मिला दूध चंडीगढ़ से लिया हूँ दूध, क्या ज़बरदस्त व्यू। तो फिर मैंने सर भाई दूध था इसलिए जोड़ी के लिए वो भूल के उनको याद रही नहीं है, तो लेके आया यहाँ पे चंडीगढ़ में, तो यहाँ से दूध लिया कि मैं जाना जोड़ी वापस, तो मैं लेके वापस चला जाऊँगा। पता नहीं बच्चे का भी ये नहीं कहीं खड़ा ना हो जाए, होप सो ऐसा कुछ ना हो। तो कैसे भी जा रहे हैं नूरी छम के लिए, खाना खा के चंडीगढ़ और वहाँ से आ गया नूरी छम थोड़ा सा व्यू देखने के लिए, और फिर निकलेंगे ऐसे मस्त जल्दी जल्दी फटाफट। तो ये रहा नूरी और पड़ रहा छम, बन गया नूरी छम, टॉप पहाड़ों से निकलता हुआ है सीधा नीचे। फिलहाल हम खड़े हैं पुल पे, अगली हमें हवा नहीं चल रही, जब हवा चलती है पूरी उसमें नमी जो है बिल्कुल यहाँ पुल पे खड़े खड़े होते हैं वो बंदों को भिगो देती है, इतनी खतरनाक जो नमी आती है यहाँ पे आती है। अभी देख पा रहे हो धुआं साइड पे, जो धुआं जो आ रहा है धुआं नहीं बट ये वही नमी है पानी की जो आ रही है, अभी तक यहाँ नहीं आ रही, नॉर्मल सी आ रही थोड़ी आ रही है बट ये हल्की 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 पानी की बूंदी आ रही है, पानी की बूंदी हल्की हल्की यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हलो तो ठंडा हो आप यहाँ तो फंदा हो सकते हो। ये है मोगो रोड, तो वहाँ पे जो है वो व्यू पॉइंट है, देख पा रहे हो वो व्यू पॉइंट है, ये एक किनोपी बनी हुई व्यू पॉइंट है वहाँ से देख सकते हो आप, लेकिन यहाँ से अब दिखता नहीं क्योंकि काफ़ी पीछे हो गया, तो वहाँ से आगे से जाके देखोगे वहाँ से आपको क्लियर मिलने वाला है। तो ये कुछ व्यू है दृष्टि है, टूरिस्ट आते हैं आने जाने लगा रहता है, तो बस यही है कुछ नूरी छम का व्यू, इतना ही नूरी छम का व्यू। तो चलते हैं निकलते हैं घर के लिए और मिलते हैं घर जाके, इतना शोर है ना, इतना शोर है नूरी छम का। तुम्हारे लब अगर अपने लिए हिलते तो अच्छा था, जहाँ फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, अरे हाजी साहब तुम्हीं को चाहा था मैंने, तुम्हीं मिलते तो अच्छा था। तो फाइनली गाइस पहुंचे हम बस स्टैंड, यहाँ से भी नजर आई है कुछ खाने खुली हैं। लंबी ट्रिप के बाद घर पहुंचे हैं, तो फिलहाल डिनर वगैरह करना है, उसके बाद करना रेस्ट, और फिलहाल सर दर्द भी हो रहा है कुछ नहीं, सर दर्द कुछ करना पड़ेगा, फिर रेस्ट भी करना, नींद भी बहुत खतरनाक आ चुकी है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो फिलहाल पहले करते हैं डिनर, उसके बाद करेंगे हम रेस्ट, और फिलहाल करते हैं आज के एपिसोड यहीं हैं, मिलते हैं कल आपको एक नए और फ्रेश जिंदगी के एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।